आह, इस खुली जगह के शांत माहौल में रिलैक्स करना कितना अच्छा लगता है। गंदी गंदी, कितनी घटिया आवाज है ये। ओह अच्छा। माउंट हैमिल्टन के एस्ट्रोनॉमर्स ने छोटे से मीटियोर की झलक देखी है और लगता है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। क्या बात है बेन? मैंने सोचा मैं एक्सेलरेट बनकर कैस्पर की उस बर्गर शॉप में जाऊंगा और एक डबल चीज बर्गर ले लूंगा, पर शायद मैं जा नहीं पाऊंगा। बेन, येलोस्टोन एक बहुत ही कूल जगह है, तो यहाँ रुको और इसकी कद्र करो। ग्वेन ठीक कहती है, और हमें खाना भी यहीं पर मिल जाएगा। ग्रबवर्म्स, प्रोटीन से भरपूर, और इन्हें अगर तुम टमेटो पेस्ट के साथ ग्रिल करो तब तो ये। शायद मैं मदद कर सकूं, मेरे बर्गर में चिली चलेगी। ये हुई ना समझदारी की बात। गाइस, ये मैं क्या बन गया हूँ? बिल्कुल हीरो वाला पोज है। मजाक उड़ाती हो, यकीन नहीं होता मैं एक नया हीरो हूँ। और जब एक नया एलियन आया है तो क्या पता सैकड़ों और भी आ सकते हैं। बस वो इस वाले की तरह बेकार नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है ये क्या करता होगा? ये तो आग भी नहीं उगलता। हो सकता है मैं आँखों से फ्रीज करने वाली रेस छोड़ सकूं। मैग्नेटिक ब्लास्ट। छुपो। ओह, ये कितना बड़ा है। ओह गॉश। जिंदा भी। मगर बदबूदार। मुझे लगा ये बेन की बदबू है क्योंकि वो 3 दिन से नहीं नहाया। गलत, 4 दिन हो गए। जश्न मनाओ, वो आ गए हैं अपनी पूरी शान के साथ। मुझे उनके हुक्म का इंतजार है। कौन हो तुम लोग? रिलैक्स, हम लड़ने नहीं आए हैं। सारे विलन्स पहले यही कहते हैं और बाद में हमारे टुकड़े कर देते हैं। एक घमंडी पृथ्वीवासी, मैंने सुना है यहाँ ऐसे ढेर सारे लोग हैं, या फिर शायद थे। और यहाँ एक नेबूरियन पेलोरोटा भी है। कम से कम पता तो चला तुम कौन हो। इसका यहाँ होना उन महान शख्स का कोई इशारा होगा। उनका अंदाज निराला है ना? निराला है। उस निराले शख्स की जय हो। पर तुम घर से कुछ ज्यादा ही दूर हो, ठीक कहा ना मैंने? तुम नहीं जानते मैं कितना करीब हूँ। पर अब तुम्हारे पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं बची है। हमारे महान शख्स ने पिछले हफ्ते तुम्हारा प्लेनेट तबाह कर दिया। सब लोग चुप रहो, वो मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। सिर्फ मैं इनकी भाषा बोलता हूँ। महान शख्स कह रहे हैं कि अगली पूनम से पहले तुम्हारा प्लेनेट तबाह किया जाएगा। तुम काफी लकी हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, ये दरअसल एक बेहद अनोखा तजुर्बा है। रुको, अभी दिखाता हूँ। ये फिर वही बोरिंग ऑडियो विजुअल दिखाएगा।
जब से इस महान शख्स ने हमारे हर एक प्लैनेट को तबाह किया, तब से हम इनके पीछे पीछे हर प्लैनेट पर और हर गैलेक्सी में जाने लगे। जरा इनकी टेक्निक देखो, ये अपने अंगों को प्लैनेट की गहराई में डाल देते हैं, उसे अंदर से सड़ाते हैं और उसे खा जाते हैं। ये यहाँ भी ऐसा करने वाला है? बिल्कुल, तुम्हारे शहर मिट्टी में मिल जाएंगे, तुम्हारे समंदर सूख जाएंगे, पहाड़ गिर जाएंगे और तुम्हारी इस दुनिया का पूरी तरह अंत हो जाएगा। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ। मुझे ऐसा नहीं लगता। बेन, अब ठीक है। बेन, ओह नो, इस वॉश ने मुझे अचानक एक नया एलियन दे दिया जो सिर्फ इधर उधर लुढ़कता रहता है। बिल्कुल गलत बात। ओ, सही कहा। तुम इस बात की फिक्र मत करो कि कोई बड़ा सा बदमाश आया है जो पृथ्वी का नामो निशान मिटा देगा, क्योंकि ये गलत बात नहीं है। पेड़ बदल रहे हैं। हमें जल्दी से उस पहाड़ पर वापस जाकर उसे तबाह करना होगा, इससे पहले कि वो सब कुछ तबाह करे। जब हम पहाड़ पर से गिरे थे तब तो ये नहीं थे ना? नहीं, तब तो हमें जरूर याद रहता। उस बड़े टिक का जहर पूरे इलाके को म्यूटेट कर रहा है। अपनी गंदी चिपचिपी चीजें मुझसे दूर ले जाओ। मैं डूबने वाली हूँ। बेन, क्या तुम्हें नहीं लगता हीरो बनने के लिए ये बिल्कुल सही वक्त है? कोशिश जारी है, लेकिन अगर मैं कोई और बेकार सी चीज बन गया तो? कम ऑन, मुझे हीरो बनाओ। कम ऑन, मुझे जल्दी हीरो बनाओ। बेन, ग्रैंडपा, क्वेन, चलो ऊपर चले। तुम्हें सचमुच डिओड्रेंट की सख्त जरूरत है। ये तो टग ऑफ वॉर खेलने जैसा है। उस टिक को ठीक से सबक सिखाना है। ये क्या था? लगता है इस प्लैनेट का एक हिस्सा तबाह होने ही वाला है। मैं समझता हूँ। क्या कहा इन्होंने? ये चाहते हैं कि हम इनकी महानता का असर देखें और इनकी भयानक शक्ति को अपना काम करते देखें। येलोस्टोन में जहर फैलता जा रहा है। ये शोर कैसा था? लगता है ओल्ड फेथफुल फटने वाला है। क्या पता उस टिक का जहर और किस किस तरह की तबाही मचाएगा। मैं जरा एक चक्कर लगा कर आता हूँ। मुझे वो बुजुर्ग आदमी और वो नन्ही लड़की दिखाई पड़ रहे हैं, मगर वो किस पर सवारी कर रहे हैं? तुम्हें बदबू की ताकत दिखाता हूँ, अब हटो या मरो। उस महान शख्स की महान ताकत का असर देखे बगैर हरगिज नहीं। सॉरी, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। रुको, मैं उसे अभी बंद कर देता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? आप दोनों को उतार रहा हूँ। ये फ्लाई अकेले फ्लाई करेगा।
आखिर वो कहाँ गायब हो गया? बेन! बचाओ! ये क्या? ओह नो! मुझे इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलना चाहिए था। कम ऑन! संभल कर। अब मैं लैंड करने वाला हूँ। ये कर क्या रहा है? हमें यहां से निकालो। मैंने कभी ऐसा इंटरगैलेक्टिक एक्सीडेंट नहीं देखा। क्या किसी को लिफ्ट चाहिए? ये जितना खाता है उतना बड़ा हो जाता है। तो फिर फोर आर्म्स उसकी डाइटिंग करवाएगा। गया, 9 बाकी हैं। ओके, मैं हार गया। ये तबाह नहीं हो सकता। रिवर्स बीम फ्लो। अब तुम्हारे प्लेनेट के तबाह होने का वक्त आ गया है और साथ ही तुम तीनों का भी। तुम्हारे पास दूसरा प्लान तैयार तो है ना? इस सब का हम क्या करेंगे भला? इससे पहले कि महान शख्स तुम्हारे प्लेनेट को साफ कर दे, तुम्हें उन्हें साफ करना होगा। नामुमकिन! मैं उस चीज के पैर साफ नहीं करूंगा। वो जैसा कहते हैं वैसा करो अभी के लिए। ये कहते हैं इन्होंने हमें मिस किया। इसमें हमारी गलती नहीं है महान शख्स, प्लीज हमें माफ कीजिए। हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए। इससे भी गंदा कुछ हो सकता है। छी, स्पेस कीड़े। वक्त निकलता जा रहा है। और एलियंस भी, मैंने सब ट्राई कर लिया। सारे के सारे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं फिर से वो बॉल जैसी चीज नहीं बनूंगा। और क्या पता ऐसा होगा भी या नहीं। तो मत करो कोशिश और हो जाने तो पृथ्वी को तबाह। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? ये टूट रहा है? शायद किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इनकी खूबसूरती, इनका पावर, इनका पास अब अंत करीब है। एक और कोशिश हो जाए। बात बन गई। अब मैं क्या करूं? उन सबको खत्म करो। हाँ,
वो स्केल्स उनके बीम्स डिफ्लेक्ट करेंगे। पकड़ लिया, हमला। तुम एक बॉलिंग बॉल की तरह हो, शायद कैनन बॉल की तरह। एक्चुअली कैनन बोल्ट कहना बेहतर होगा। डाइजेशन शुरू होने दो। ये डाइजेस्ट करो। जो जितना बड़ा है वो उतनी जोर से गिरता है। अब तो इसकी तबाही अंदर से शुरू करनी होगी। आ करो। नहीं। लगता है अब तो मुझे नहाना ही पड़ेगा। कुछ नहीं, महान शख्स हमेशा के लिए खामोश हो गए। तुमने उन्हें तबाह किया। नए महान शख्स की जय हो। जय हो, जय हो। रहने भी दो। ये लोग ज्यादा वफादार नहीं है ना? हाँ, मैं इसकी आदत डाल सकता हूँ। बिल्कुल सही, मैं भूल ही गया, तुम तो बस एक मामूली इंसानी नमूना हो। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। अपना बचा हुआ दिन एंजॉय करो। वैसे हम तो आने वाले कई दिनों तक एंजॉय करने वाले हैं। लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। तुम्हें याद दिलाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है ग्वेन, पर हमारा कोई काम नॉर्मल नहीं होता। बहुत बढ़िया बेन। हाँ, आखिर मैंने पृथ्वी को जो बचा लिया, लगता है यहाँ मेरा काम खत्म हुआ। मैं और मेरी लंबी जबान। हाँ बेन, जरा देखो तो वहाँ ठीक से साफ नहीं हुआ है। ओह नो।